उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ के विधानसभा बक्सी का तालाब के क्षेत्र इटौंजा के अंतर्गत ग्राम अर्जुनपुर के खाताधारक इटौंजा के यूको ग्रामीण बैंक का मामला सामने आया है, जहां पर यूको बैंक के मैनेजर द्वारा टाले गए खाताधारकों को बैंक के चक्कर लगाकर परेशान कर दिया है। खाताधारक महिला की उम्र 170 वर्षीय है, जो अपने खाते से रुपए निकालने के लिए गई तो मैनेजर द्वारा उसको बैंक से वापस जाने को बोला तो बैंक मैनेजर द्वारा उसको पैसे न निकालने की सलाह दी। जब पीड़ित को अपनी दादी का आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य डॉक्यूमेंट लेकर भेजा तो बैंक मैनेजर द्वारा मना करने के बाद तो पीड़ित ने थाने में मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही तो उसे भगा दिया गया। जब पीड़ित ने बैंक के सीनियर अधिकारी से बात की तो अधिकारी ने वापस बैंक जाने को कहा और जब पीड़ित वापस बैंक गया तो अधिकारी से बात कराई तो मैनेजर ने कहा कि मैं खाता भी खोल दूंगा और पैसे भी निकाल दूंगा, लेकिन फोन रखने के बाद बैंक मैनेजर द्वारा फिर उसे मना कर दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? ललित सोनी सर। कहाँ रहते हैं? अर्जुनपुर। क्या समस्या है दादी के बैंक को लेकर? सर, समस्या ये है कि आज तकरीबन लगभग 6 महीने पहले घर में हो गई थी चोरी, जिसके कारण हमारे दादी के जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब चोरी में चले गए थे। जी जी। तो उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक बक्सा हमें मिल गया था, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट हमको मिल गए थे जी, जिसमें दादी की पासबुक और कई और कागज मिले। तो हम उसको लेके बैंक पहुँचे, यूको बैंक जिनमें शाखा इटौंजा। तो वहाँ पे मैनेजर से हमने बात की, सर ये खाता देख लीजिए, इसका जो भी पैसा हो वो निकाल दीजिए, क्योंकि दादी इस समय चलने और बोलने में असमर्थ हैं जी, क्योंकि उनकी उम्र लगभग इस समय 115 वर्ष है जी जी। तो अब वो हमसे कह रहे हैं कि इसके लिए आप KYC दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, KYC में आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने हमसे बताया कि आप आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए और ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल, यही हमारे बैंक में मान्य है। तो हमने कहा कि जब आपने खाता खोला था तब तो ये कोई चीज़ मान्य नहीं थी, और दादी 115 वर्ष की हैं, जब से आधार कार्ड चल रहा है तब से तो उनका कोई बना नहीं आधार कार्ड। क्या दादी का आधार कार्ड नहीं बनवाया था आपने? नहीं, दादी का आधार कार्ड बना ही नहीं था, क्योंकि वो 100 साल से ऊपर थी जी, तो उनका ना कोई फिंगरप्रिंट आता है ना कोई रेटिना आता है जी जी, वो तो असंभव ही है जी। और उसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो वोटर आईडी थी वो भी चोरी हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वोटर आईडी लाइए या कोई और अन्य लेके आइए। तो हम वोटर आईडी ढूंढे तो वोटर आईडी का हमें एक रसीद मिली थी। क्या प्रधान सचिव से आपने लिखवाया? हमने प्रधान और सचिव दोनों से प्रमाणित करवा के उनको दिया, तब भी वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तभी भी नहीं मान रहे? तब भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे नहीं हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा आधार सेंटर जाइए, आधार सेंटर वाले से बात कराई थी हमने, उसके बावजूद भी वो नहीं माने। तो हमने उनसे कल बात की थी कि हम आपके बड़े अधिकारी से बात करेंगे। जब बैंक पहुंचे हो तो आपके पास में क्या क्या आईडी थी जो वहाँ नहीं माने? मेरे पास प्रधान से लिखा हुआ निवास प्रमाण पत्र था जो पहले दिए गए, दिखा दीजिए ये है, और उससे हमने सचिव से प्रमाणित भी करवा दिया था तो भी वो नहीं मान्य हुआ है। ये पहचान पत्र है और इसका भी प्रमाणित करवा दिया। ये दादी का है ना? जी जी सर जी जी। इसको प्रमाणित करवा दिया, प्रधान से ये भी लिखवा के दे दिया निवास प्रमाण पत्र जी, और दादी का राशन कार्ड ये है। अच्छा, राशन कार्ड जब लेके पहुंचे बैंक में जी, तो बैंक वालों ने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये हमारे पास कोई आईडी आपकी मान्य नहीं है जी। तो हमने कहा फिर सर तो हम ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे जो आप कह रहे हैं, आधार कार्ड बनवा के दीजिए। तो फिर अब उसके विषय में आप क्या करना चाहेंगे? इसके विषय में हमने फिर बात की, उन्होंने कहा कि हम अपने बड़े अधिकारी से बात करेंगे जी। तो उनके बड़े अधिकारी से हमने कहा आपको बात करनी है आप तुरंत करिए, हमारे सामने करिए। तो उन्होंने नहीं कहा, कहा हमसे 4-5 दिन बाद आइए आप। तो अब 4-5 दिन के लिए या तो हम उनका इंतजार करें। तो हमने उनके बड़े अधिकारी को कस्टमर केयर पर कॉल की, उनसे बात की। उन्होंने हमसे कहा कि सर आप जाइएगा सुबह और हमारी मैनेजर से बात करिएगा। सुबह हम फिर गए वहाँ पर, आज उनसे बात करवाई हमने। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, इन्होंने जो कागज दिए हैं हम फिर से देख ले रहे हैं और इनका खाता हम ओपन कर देंगे। उसके बाद हम वहाँ पे 1 घंटा फिर बैठे रहे। फिर उन्होंने हमसे कहा कि अभी हो नहीं पाएगा और इसके लिए आधार कार्ड ही सर्वमान्य होगा। तो उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप तो FIR करने गए थे आपने कहा है। हमने कहा बिल्कुल मैम, अगर आप हमारा काम नहीं करेंगी तो मैं FIR किया। हम सर कल गए थे थाने पर, तो थाने पर उन्होंने सर ने हमसे कहा था कि आप निवास बनवा लीजिए प्रधान से और जाइएगा, आपका ओपन हो जाएगा जी। लेकिन वो तभी भी नहीं गया। तो हम फिर दोबारा आज थाने पर गए, तो थाने पे हमने उनसे सर से कहा कि हमारी प्रार्थना पत्र लीजिए और हमारी रिपोर्ट लिखिए, जो कि हम लगा के अपना अकाउंट चालू करा लें। तो उन्होंने वो माने नहीं कहा, उन्होंने हमको भगा दिया वहाँ से। थाने से भगा दिया कि आप जाइए, यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने 1076 पे कॉल करके रिपोर्ट लिखा दी है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट लिख गई जी सर। ठीक ठीक। अखंड भारत न्यूज़ के लिए मोहित कुमार के साथ गोविंद राज की रिपोर्ट, लखनऊ।